पूरे देश में कुछ दिन पहले बारिश और बर्फबारी ने जो कोहराम मचाया उसका असर राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला। बर्फबारी, बारिश और तेज तूफान ने जहां पहाड़ों में लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, वहीं मैदानी इलाकों में भी आफत का दौर रहा। राजधानी देहरादून से सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून महिला अस्पताल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां लगभग 8 से 9 घंटे बिजली गुल होने से 8 गर्भवती महिलाओं को टॉर्च की रोशनी में अपना प्रसव कराना पड़ा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। इतने घंटे बिजली गुल होने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा खुद सूबे के मुख्यमंत्री देख रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों में हुई बर्फबारी ने वहाँ क्या सितम ढाया होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब राजधानी में ऐसे हालात हैं, तो जिन जगहों पर बर्फबारी हुई वहाँ क्या हालात होंगे। उत्तराखंड में हुई जबरदस्त बर्फबारी और बारिश ने यहाँ क्या कहर बरपाया, इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि बर्फबारी ने जहाँ पहाड़ों को जमा दिया और सभी रास्ते बंद कर दिए, वहीं मैदानी इलाके में बारिश और ओलों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आपको बता दें कि तेज हवाओं और बारिश ने राजधानी देहरादून समेत सभी मैदानी जिलों के लोगों को परेशान किया। राजधानी देहरादून के सरकारी सबसे बड़े अस्पताल को पूरे 14 घंटे बिना बिजली के रहना पड़ा। दून महिला चिकित्सालय उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार किया जाता है। पूरे प्रदेश में महिलाएं यहां अपना इलाज से लेकर प्रसव के लिए आती हैं। पर बीते दिन पूरे 14 घंटे बिजली से महरूम रहे इस अस्पताल में 8 महिलाओं को टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराया गया। ये हालात तब हैं जब मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाले हुए हैं। ऐसे में राजधानी के इतने बड़े अस्पताल में लाइट जाने पर कोई व्यवस्था न होना शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। जब खुद राजधानी के अस्पतालों के ऐसे हालात हैं, तो दूर दराज के अस्पतालों में क्या व्यवस्था होगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वहीं पूरे मामले पर सीएमएस के टमटा ने तेज बारिश और आंधी को दोष देते हुए पल्ला झाड़ लिया। सरकारें कई योजनाएं लागू करती हैं और उन पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, पर धरातल पर यथास्थिति कुछ और नजर आती है। हालांकि सरकार ने बीमा योजना, स्वास्थ्य योजना जरूर लॉन्च की है, पर जब तक इन मूलभूत सुविधाओं में सुधार नहीं होगा, तब तक इन योजनाओं का सफल होना मुश्किल लगता है। दून अस्पताल में ऐसी कमी सरकार और प्रशासन को मुंह चिढ़ाती नजर आती है और सरकार की तमाम उन योजनाओं को भी ठेंगा दिखाती है जो इस देश की व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, और तमाम उन सरकारों के मुंह पर तमाचा है जो टीवी पर बड़े बड़े बयान देकर तालियां बटोरते हैं। श्री गढ़वाल से आई हूँ मैं। हम आए 6:30 बजे के करीब आए थे ना, उस टाइम लाइट तो थी नहीं, पर नॉर्मली डिलीवरी हुई ना हमारी 7:30 बजे के करीब हो गई थी डिलीवरी, और लाइट नहीं थी तो डिलीवरी टॉर्च के फ्लैश से, फोन के फ्लैश से हो गई। बस वैसे नॉर्मली हुआ, ठीक है, बेबी भी ठीक है। ओके, और कितने डिलीवरियाँ हैं जो हैं यहाँ पे मोबाइलों के टॉर्च के माध्यम से अभी तक की गई हैं? 7-8 थे हम वहाँ उस रूम में, तो 7-8 हुए होंगे। जब तक मैं आई तब तक 6 और थी मेरे, तब उसके बाद तो हम आ गए थे उस रूम से, यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तब उसके बाद भी आए होंगे, पर लाइट नहीं थी। ये कब की? कल सुबह 4 बजे। कितने बजे डिलीवरी हुई? 4 बजे से डिलीवरी। अब जच्चा बच्चा क्या बताया डॉक्टर ने? ठीक है, तो कितनी डिलीवरी है यहाँ पे? कितनी देर लाइट नहीं थी? कितनी देर लाइट नहीं थी? रात से नहीं थी। ठीक ठीक। अरविंद जी कौन एडमिट था आपको? मेरी वाइफ एडमिट थी। क्या हुआ था उस दिन? जिस रात में लाइट नहीं थी, मेरे को ये बताया गया कि अंदर मोबाइल से डिलीवरी की गई। तो आपकी मिसेज की भी डिलीवरी लाइट मोबाइल से की? कितनी देर, कुछ अंदाजन कितनी देर लगी रही है? 6 से 7 घंटे कुछ, क्या कुछ है? वैसे तो मैं सो रखा था, मेरे को इतना हुआ नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि उससे ही हुई है मोबाइल से। ठीक है।